अगर ये आज़ादी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं तो इसको हम लोग अगर सकारात्मक भूमिका में देखें तो मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ हुआ आज़ादी के लेके, क्योंकि हम लोग आज़ाद थे, हम बहुत कुछ कर पाए हमारे लोगों के लिए, लेकिन जिस गति से होना चाहिए था वो हुआ नहीं। और इसके आड़ अभी हमको सबको मालूम पड़ गया, इसमें करप्शन का रोल था, बहुत से फेवरेटिज्म का रोल था, ये सब हम लोग ये गलतियाँ करते आए, मीन्स आज़ादी का हम लोग से बर्दाश्त नहीं हुआ, तो कई जगह पे उसका दुरुपयोग हुआ है। अभी कहीं जाके ये सब चीज़ एहसास होने लगा। अभी जैसे सुधीर जी आप भी अभी मीडिया में ये सब चर्चा करने को लगा रहे हैं, तो मतलब इसका जो अवेयरनेस है ये तैयार हो रहा है अभी। और जो आज़ादी हम लोग मीन हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स या हमारे उन्होंने देखा सपना होगा इंडिया के बारे में, मेरे ख्याल से वो पूरा नहीं हुआ है। और उसको पूरा करने के लिए बहुत से चीज़ें हैं हम लोग को, या तो एक डिसिप्लिन करके हम लोग को कायदा बना के या पुराने कायदों को बदलना, ये सब चीज़ इसमें आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं दो तीन चीज़ बताऊंगा जहाँ पर हम लोग का आज़ादी का अभी तक कोई मायना नहीं रखता और हर घर में हर आदमी को इफ़ेक्ट होता है, जैसे कि बैंकिंग। अभी बैंकिंग में आपको एक चेकबुक के लिए पैसा भरो, आप लेजर फोलियो के लिए पैसा करो और आपका मिनिमम बैलेंस नहीं होगा उसके लिए भी आपका 300-500 रुपये कट जाता है, और बाजू में करोड़ों रुपया ये मोटे मोटे बांडवलदार बड़े बड़े बांडवलदार लोग को पैसा लेके फरार हो जाते हैं, और फिर उनको 10 लाख 15 लाख का या 10 करोड़ 15 करोड़ का लोन अगर हो तो उनको विद इन टू ईयर्स NPA किया जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब वो कौन भुगतेगा, वो पब्लिक। और उसी टाइम में जब ये पब्लिक का जो छोटी छोटी ज़रूरत है, जो बैंकिंग इज़ अ सर्विस, इट इज़ नॉट ए बिजनेस, और वो सर्विस में तुम लोग हर चीज़ के लिए अगर चार्जेस लगा रहे हो, मतलब जैसे कि हम लोग गुलाम हैं, मतलब एक आज़ाद देश का निशानी नहीं है ये, हुआ इसके बारे में। सिमिलरली अभी हेल्थ का हम लोग जो देखें, हेल्थ हम लोग हर जगह पहुँच नहीं पाए, और जो हेल्थ सर्विसेज, जो सिविक सर्विसेज हैं, जो पब्लिक सर्विसेज हैं, वहाँ से अभी भी दवाएं बाहर जाती है, बिक जाती है, कोई कंट्रोल नहीं है, और हालात ऐसा किया जाता है ताकि लोग प्राइवेट में जाए। ये कोरोना में आप वैक्सीनेशन का देखो, शॉर्टेज क्रिएट किया गया और लोगों को प्राइवेट के पास जाके पैसा भर के आने में, ये सब चीज़ों पर अभी भी हम लोग को ज़बरदस्ती गुलाम करके रखा हुआ है। और इसी तरह एजुकेशन की बात आई, इतने बड़े बड़े फीस अगर भरना है अगर प्राइवेट एजुकेशन के लिए, और एजुकेशन हैज़ कम इन टू द हैंड्स ऑफ पॉलिटिशियन, हर पॉलिटिकल पावर के पास अभी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स आ गए, ये गुलामी नहीं है तो क्या है? तो मतलब इन द ट्रू सेंस हम लोग ने क्या कली शिफ्ट किया फ्रॉम ब्रिटिश, पहले मुगल से ब्रिटिश गया, ब्रिटिश से अभी क्या हो गया, हमारे ब्यूरोक्रेट्स एंड लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, उनके हाथ में शिफ्ट हुआ। इट इज़ ओनली शिफ्टिंग ऑफ रूल, मतलब हम लोग गुलाम के गुलाम ही रहे इन मेनी एस्पेक्ट्स, लेकिन फिर भी एक 75th इंडिपेंडेंस डे साजरा करते टाइम इतना तो अभिमान करना ही चाहिए कि बहुत से फील्ड में, बहुत से क्षेत्र में हमारे भारत के लोग को स्वतंत्र से पढ़ाई करने को मिला और फॉरेन कंट्रीज़ में, फॉरेन कंपनीज़ में अपना एक नाम रोशन किया। सिमिलरली अभी स्पोर्ट्स में भी, इस बार ओलंपिक्स में हमारा थोड़ा सा अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा नहीं रहा बट बेटर देन प्रीवियस है, लेकिन हर स्पोर्ट्स में एरिना में ऑल ओवर द कंट्री फैसिलिटीज़ बढ़ा रहे हैं, स्पोर्ट्समैन को प्रोत्साहन मिल रहा है। तो दिस इज़ फ्रीडम, ये फ्रीडम है कि हम लोग कोई भी स्पोर्ट्स में या कोई म्यूज़िक में, आर्ट्स में, कोई भी फील्ड में अगर हम लोग को प्रोग्रेस करना है, वो प्रोग्रेस करने का मौका आज इस देश में है। और ये सब मैं पॉजिटिव साइड्स बोल रहा हूँ, लेकिन नेगेटिव साइड्स अभी भी बहुत से कानून हैं जिसको बदलना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल सबसे बड़ा कानून है पुलिस रिफॉर्म्स, पुलिस डिपार्टमेंट आज तो ओपन हो गया कि सबसे बेहतरीन पुलिस मुंबई पुलिस, कितना इन्वॉल्व है कि इन्वॉल्व किस में ब्लैकमेलिंग, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, हर चीज़ में इन्वॉल्व। दैट इज़ बिकॉज पुलिस रिफॉर्म्स हम लोग किए नहीं। वी नीड टू इम्प्रूव नॉट ओनली पुलिसिंग बट ऑल्सो पुलिस का क्वालिफिकेशन से लेके हर चीज़ को सुधारना बहुत ज़रूरी है, और 75 ईयर्स में ये सब नहीं हुआ, चलता है एटीट्यूड से आज तक चलाते गया सरकारों ने,
अब की बार कहीं परिवर्तन नजर में आ रही है, लेकिन ये परिवर्तन कहाँ तक और क्या तेजी से होनी चाहिए उस पर अभी चर्चा करना है आप लोग जैसे आपके मीडिया के थ्रू। और सुधीर जी, आप जो कर रहे हैं ये बहुत अच्छा है, और साधारण लोगों का ओपिनियन इसमें लेके, खाली लीडर लोगों का ओपिनियन तो हम लोग रोज लेते ही हैं एज ए मीडिया पीपल, बट साधारण लोग क्या चाहते हैं? हम लोग को पुलिस रिफॉर्म चाहिए, हम लोग को एजुकेशन में सहूलत चाहिए, हमको हेल्थ सर्विसेज चाहिए एंड बैंकिंग सर्विस विच इज़ आवर डेली रिक्वायरमेंट। ये सब चीज़ पे थोड़ा अगर रिफॉर्म पे ध्यान दिया तो मेरे ख्याल से देश बहुत आगे जाएगा और ये फ्रीडम का सही मायने में हम लोग बोल सकेंगे कि हम लोग आज़ाद हैं। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।